Yes, we are live now. Hello friends. This is Imanshi and welcome to Let's उार तो जो हाईलाइट है वो है कलरी पार्टे पार्ट टू और अलग अलग इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं थोड़े बहुत तो अगर हम बात करें तो कई सारे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली

युद्ध कला क्या है तो ये कल, आ, कलरी पाइटू है अभी हम ईशा फाउंडेशन गए हुए थे तो हमने लाइव देखा इसको बड़ा इंटरेस्टिंग होता है तो ये तो एक बेसिक बात रही है इंटरेस्टिंग सा हम रोज एक हाईलाइट लेके बैठते हैं बहुत सारे क्वेश्चन है जो आप लोगों ने भेजे हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे तो स्टार्ट करते हैं पेपर वॉज इजी टू मॉडरेट अगेन और बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स हैं पेडागोजी मैथ्स में काफी आई है पंद्रह नंबर से ज्यादा की और वन पैसेज और पोएम इन हिंदी जो कि नॉर्मल है बट हल्का सा डिफिकल्ट लगता है लोगों को ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस अजर्शन के दो तीन क्वेश्चन थे और कुछ सिचुएशनल क्वेश्चन भी थे टीचर के अंदर एम्पथी होनी चाहिए ऑल करके ठीक है दीपक ने ये शेयर किया जितने भी लोगों ने शेयर किया है धन्यवाद उनका कल भी आप शेयर कीजिएगा फिर उसके बाद अजर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चन कर लेंगे क्योंकि बीच में दो तीन दिन का गैप है पेपर में ठीक है ना तो केरल की युद्ध कला कल रीपाइटू जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई जेडपीडी आपको पता है वेगोस की निपुन भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो इस पे रोज एक क्वेश्चन आ ही रहा है 2005 एनसीएफ पे क्वेश्चन विकास पे क्वेश्चन विकास तो आप उड़ा देंगे क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो इजी है चलिए खैर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर आएंगे इस बात पर साइंस खूब क्वेश्चन आ रहे हैं अगर आपके घर में आसपास कोई बच्चे हैं तो उनकी साइंस की बुक पढ़ लीजिए या एनसीईआरटी पढ़ लीजिए फिर 6, 7, 8, 8 की जिनके पास समय है और केवीएस की भी तैयारी करनी है आगे तो अदरवाइज तो फिर बाकी सब्जेक्ट्स को अच्छा कर लीजिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन आएंगे उसके लिए ऐसा भी नहीं है कि अब आप सिर्फ साइंस ही पढ़ेंगे विच इन वाटर कैन बी स्टेंड विद कॉटन क्लोथ तो कॉटन क्लोथ से किस चीज को आप वाटर में से हटा सकते हो बेसिकली सॉल्युबल जो नहीं होगा सॉल्यूबल जो नहीं होगा जो मिक्स नहीं हो जाएगा उसमें मिल नहीं जाएगा तो ये तो मिल्क और शुगर तो बिल्कुल आप अलग ही नहीं कर सकते पानी से शुगर एंड सॉल्ट टर्मरिक पाउडर बट चॉक एंड पाउडर और सेंड को आप कॉटन क्लोथ क्लोथ से चॉक पाउडर और रेत को निकाल पाएंगे ठीक है तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे देयर वॉज अ क्वेश्चन दैट

और जो मैराथन सेशंस हैं या फिर वन शॉट सेशंस हैं वो देख लेने हैं जो ईवीएस आपका हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है तो वो दो चार छह क्वेश्चन पे हम हजम कर जाएंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है है ना और लाइक like शेयर कर देना है खुशी खुशी पेपर एकदम बढ़िया जा रहा है जाएगा डोंट वरी ठीक क्वालिफाइंग एग्जाम है सिक्स स्टेजेस हैं कोलबक्की कल भी हमने डिस्कस किया था और तीन लेवल्स हैं हर एक लेवल पे दो स्टेजेस हैं तो छह स्टेज हो जाती है मिलाकर के आगर्ल और प्याजे की स्टेज का सीक्वेंस भी पूछा है तो एसपीसीएफ आपको पता ही है S.P.C.F. यानी सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल ठीक अ गर्ल लुकिंग एट ग्रास प्लांट्स इन द रेन सेज दैट दे विल फील कोल्ड यानी उसको लगता है कि ठंड लग रही होगी पौधों को भी तो ये बच्चे के अनुभव के बेस पे है हम इसको डांटेंगे नहीं फटकारेंगे नहीं हमारे पास चारों ऑप्शन नहीं है तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते क्या सही उत्तर होगा तो यहां पर बच्चे से आप ये जरूर पूछ सकते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं इस बारे में बाकी लोग क्या सोचते हैं जो क्लासरूम में है तो उस पर चर्चा की जा सकती है बच्चे के अनुभव को लेकर के आप अगर ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट या गलत कॉन्सेप्ट भी है तो अचानक से उसको सीधे सीधे डांट नहीं देते या आ, सही नहीं करते मौका देते हैं सॉफ्ट पार्ट ऑफ बर्ड फीदर्स नियर देयर ईयर्स इज कॉल्ड तो ये एक बार आप पढ़ जाइएगा चारों ऑप्शन इन्होंने नहीं दिए हैं अच्छा एक और क्वेश्चन था बर्ड के बाल झड़ने को लेकर के तो उसको बर्ड्स मोल्ट कहते हैं एम नॉट रॉन्ग तो अब ये डिपेंड करेगा उन्होंने ऑप्शन नहीं बताया कि ऑप्शन था कि नहीं तो बर्ड्स मोल्ट कहते हैं उसको और जो डाउन साइड फीदर्स कहते हैं डाउन फीदर्स कहते हैं जो फीदर्स के आपके नीचे वाला पार्ट है चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इज द क्लासिकल लैंग्वेज तो ये तो सारी ही छे की छे क्लासिकल लैंग्वेज मतलब तो ये छे इंक्लूडेड हैं आपकी क्लासिकल लैंग्वेज में तो इस एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था ये हम नहीं देख पाए हैं अभी तक ठीक आगे बढ़ते हैं रॉन्ग वर्ड एड करने की बात की है अब एग्जैक्टली exactly क्या पूछा था ये एग्जैक्टली exactly तो हमें नहीं पता लेकिन हम कुछ हद तक यहाँ पे देख सकते हैं कि या तो ऑड वन आउट पूछा होगा ऑड वन आउट पूछा होगा या सही वर्ड गलत करने की जो आशंका है वो हियरिंग इम्पेयर बच्चे में हो सकती है अगर ये इस तरह से पूछा है अगर ऑड वन आउट पूछा है तो अगेन फिर इसमें आंसर हो जाएगा ऑटोनॉमी क्योंकि ये बाकियों से डिफरेंट है ऑटोनॉमी इज डिफरेंट बाकी तीनों जो है वो डिसेबिलिटी से ही रिलेटेड है तो ये किस तरह से पूछा था एक्जैक्टली exactly? वैसे देखना अगर सिर्फ इतना ही लिखा था तो आप बी ऑप्शन चूज कर लेंगे सिंपल बात आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे वॉट बिहेवियर डज ऑटिज्म रेफर टू ऑटिज्म पे हमने बहुत बार बात की है स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर होता है बार बार सेम चीज को रिपीट करेगा बच्चा सोशली लोगों से घुलने में घुलने मिलने में दिक्कत होगी अपनी बात को कहने में दिक्कत होगी है ना और ऐसा नहीं कि इनमें दिमाग की कमी होती है बट ये थोड़ा सोशली घुल मिल नहीं पाते और रिपीट करते हैं चीजों को थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं अगर सराउंडिंग चेंज हो जाए तो तो रेपिटेटिव बिहेवियर और इस रेपिटेटिव बिहेवियर को स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर भी कहते हैं ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर जेंडर बायस वाला मत याद रखिएगा नॉर्मल स्टीरियोटिपिकल मतलब बार बार रेपिटेटिव है जो बिहेवियर सेम चीज हाइपर एक्टिविटी एडी वाले

बैरियर फॉर दिज्य बच्चे के लिए कमेंट ऑडिबल तो सबसे ज्यादा बाधा यहां रिटर्न रिकॉर्ड बन सकता है मॉडल पिक्चर से भी ज्यादा ठीक है ना तो वो हो सकता है एक बार को थ्री डायमेंशनल हो या कुछ तो इन चार ऑप्शन में तो हमें रिटर्न रिकॉर्ड ही सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है किसके लिए विजुअल इंपेयर के लिए क्योंकि उसको ब्रेल लिपि या बाकी तरीकों से आप बोल करके सुना सकते हैं तो सुन तो सकता ही है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट यानी कारक जो विकास को प्रभावित करे मेच्योरिटी हेरिडिटरी कारक है अनुवांशिकता से जुड़ी हुई है अपने आप में इन्होंने यहाँ पे भी हेरिडिटी ही लिख दी लेकिन स्कूल जो है वो टोटली totally एनवायरमेंट का हिस्सा है है ना तो एनवायरमेंट यहाँ पे बी ऑप्शन है स्कूल सही होगा देन इज अ सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट डेवलपमेंट का सीक्वेंस है श्योर हाँ, कह सकते हैं अगर शॉर की जगह प्रिडिक्टेबल या सर्टेन लिखा हुआ हो तो वो ज्यादा बेटर आंसर होगा हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए अनसर्टेन तो देखो नहीं होगा क्योंकि ये सिक्वेंशियल है ऑर्डरली है प्रोग्रेसिव है डेवलपमेंट तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसका सिक्वेंस ही नहीं होता या तो शॉर होगा या फिर सर्टेन होगा ऑप्शन में या प्रिडिक्टेबल होगा है ना तो शोर तो है ही ऑफकोर्स सीक्वेंस तो शॉर ही है तो अगर इन तीनों में से कुछ ना हो तो शॉर ही सही हो जाएगा फिर ठीक है ना आगे बढ़ेंगे एक निश्चित क्रम होता है बेसिकली हिंदी में ए ऑप्शन ही सही है पेडेगॉजी स्टूडेंट लर्निंग इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इनक्लूसिव क्लासरूम सब बच्चे सीख सकें एजुकेशन फॉर ऑल सभी के लिए शिक्षा इक्विटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है यानी समता के प्रिंसिपल पे हर बच्चे का ध्यान रखे उसकी क्षमताओं का ध्यान रख रखकर चीजें होनी चाहिए मैं एकदम वो टीचिंग वाले मोड में आ गई हूँ जबकि एनालिसिस में हम बहुत कम बातें करते हैं विच पेडेगोजी विल हिंडर कौन सा बच्चा है इंक्लूसिव क्लासरूम में कौन सी पेडेगॉजी कोलेबोरेटिव तो अच्छी बात है

वो बच्चा जिसको देखने में दिक्कत होती है लो विजन है तो एक्स्ट्रा टाइम देंगे बिल्कुल सही बात है लॉट ये गड़बड़ है गलत क्या है यही गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि नॉट पूछा है कौन सा एक तरीका एप्रोप्रिएट नहीं है नहीं भी नहीं पूछा भाई इन्होंने तो पूछा कौन सा तरीका एप्रोप्रिएट है अच्छा ठीक है प्रोविजन एम्पलीफाइंग इक्विपमेंट विद लाइट टू तो सप्लीमेंट ब्लैक बोर्ड वर्क बाय ओरल लेक्चर प्रेजेंटिंग अ लॉट ऑफ विजुअल वर्क या गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू कंप्लीट तो इन सब में तो बेस्ट फिर बी है क्योंकि नॉट नहीं पूछा हम इसको नॉट की तरह ले रहे थे बी ऑप्शन इज द राइट थिंग पे क्योंकि नॉट नहीं लिखा हुआ मुझे लगा नॉट लिखा हुआ है तो सही प्रोविजन तो ये है कि ब्लैक बोर्ड वर्क को आप ओरल लेक्चर के थ्रू यानी जैसे मैं यहाँ पे लिखी हुई चीजें मैं उसको बोल के भी बता दूं क्यों क्योंकि लो विजन है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं देख सकता बच्चा तो बी ऑप्शन बेस्ट है बाकी चारों में से तो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है एट टाइम्स द टर्म यूज बाय बाइक की यह बड़ा इन्होंने अलग सा क्वेश्चन दिया अगर इसमें ऑप्शंस यही आए तो थोड़ा फसाया है आपको ऑप्शंस में फसाया है अगर यही क्वेश्चन एज इट इज आया है तो क्योंकि ये मैंने दो तीन लोगों से सुन लिया है द टर्म यूज्ड बाय एक व्यक्ति हैं जिन्होंने मेल किया था तो उन्होंने पूरा ये लिख के भेज दिया अदरवाइज तो आधा अधूरा ही बता पाए कई लोग द टर्म यूज्ड बाय वाइगोस्की टू डिस्क्राइब द प्रोसेस वेयर बाय टू पार्टिसिपेंट्स हु बिगिन अ टास्क विद डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग अराइव्ड एट अ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग यानी दो अलग अंडरस्टैंडिंग से शुरू करते हैं लेकिन बाद में जाकर के शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचते हैं तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहना चाह रहे हैं इसको ये चाहे तो जेडपीडी जवाब दे दें नहीं तो इंटर सब्जेक्टिविटी सबसे बेहतर आंसर है इसका डिस्कवरी लर्निंग कंस्ट्रक्टिविज्म में होती है है और उसमें भी ये चीज पाई जा सकती कंडीशनिंग तो हो नहीं सकता तो ये टोटली totally हम सरेंडर करेंगे सीटेट के नाम कि वो किसको देखना चाह रहे हैं बाकी आप जेडपीडी सेफ रहना चाहते हैं तो लगा सकते हैं नहीं तो इंटर सब्जेक्टिविटी भी इसी को कहते हैं ठीक है ना तो इसमें अभी क्या है संभावना पे ही हम चलेंगे कि क्या सा हो सकता है इसमें अक्कड़ बक्कड़ होंगे मतलब जो आपको वहां पे क्योंकि अगर एग्जैक्ट सेम ऑप्शंस हैं तो उसमें इंटर सब्जेक्टिविटी बेटर है बट आप जेड पी लगा दीजिएगा क्योंकि वाइगॉस के नाम पे हम जेड पी ही पढ़ते आ रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं क्योंकि वाइगॉस का नाम ले लिया ना उन्होंने यंग चिल्ड्रन ऑफन टॉक टू प्लेइंग तो प्लेंग के अकॉर्डिंग ये प्राइवेट स्पीच का पीएस प्राइवेट स्पीच निज वॉक कब होती है तीन से छह वर्ष जब बच्चा खुद से बोल बोल के अपने खिलौनों से बात करे खुद से बात करे टीचर्स को क्या करना चाहिए इस चीज को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे की समझ बेहतर होती है क्या समझे समझे कि नहीं बिल्कुल समझ गए चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टीचर सेंट्रिक देखिए आप लोग ना कंफ्यूज हो रहे हैं टीचर सेंट्रिक तो आप समझ जाते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड लिखते ही आप लोग घबरा जाते हैं जबकि वो चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स हैं जहां पे बच्चा एक्टिव है कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड्स हैं लर्नर सेंटर्ड मतलब बच्चे को सेंटर में रखा गया है लर्निंग बाय डूइंग हो रही है करके सीख रहे हैं ठीक तो टीचर सेंट्रिक मेथड यहाँ लेक्चर मेथड है कोलेबरेटिव में बच्चा एक्टिव है, map, इन सब में बच्चा एक्टिव है लेकिन लेक्चर मैथ प्योरली टीचर सेंटर्ड मैथ होता totally है आगे बढ़ेंगे विच इज दिन विच चिल्ड्रन एस्टेब्लिश ऑटोनॉमी फ्रॉम द फैमिली एंड क्रिएट एन आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्र हो गए घर से और आइडेंटिटी अपनी खुद की क्रिएट कर रहे हैं बाय डिफाइनिंग देर पर्सनल वैल्यूज एंड गोल्स खुद के गोल्स क्या होंगे उनको क्या करना है उनके वैल्यूज सेट ऑफ वैल्यू उनका क्या होगा जीवन में सही गलत उनके लिए क्या है तो ये किस चीज का डेवलपमेंटल टास्क के आपको ये पता होना चाहिए एडोलेसेंस चाइल्डहुड में भी ये दोनों बातें मर्ज होती हैं बट जिस तरह से इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो गया किस तरफ है आइडेंटिटी ऑफ देयर ओन ऑटोनॉमी समझ के उधर एलिक्सन पे नहीं चले जाना है कि उस स्टेज की बात कर रहा है तो यहाँ पे आइडेंटिटी ऑफ देर ओन और पर्सनल वैल्यूज डिफाइन कर रहा है बच्चा तो अब वो एडोलेसेंस में है कि मेरे लिए सही गलत क्या होगा मेरे लिए चीटिंग सही है या नहीं है मैं झूठ बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा जीवन में मेरे कौन से सिद्धांत होंगे ठीक सेट ऑफ पर्सनल वैल्यूज तो डी ऑप्शन इज दी राइट आंसर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे अकॉर्डिंग टू दी लैंग्वेज क्या है तो लैंग्वेज करती है मदद बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में उसके इंटेलेक्ट के बुद्धि के विकास में बिल्कुल सही बात है इमोशनल डेवलपमेंट की सच बात यहां डायरेक्टली नहीं हुई है ए ऑप्शन इज मच बेटर देन बी ऑप्शन ओवर हेयर चले आगे बढ़े टाटा बाय बाय कहें बायोस्की को एबिलिटी टू परसीव वन सेल्फ एज नोअर यानी खुद को ज्ञाता के रूप में समझने की क्षमता मेटा एबिलिटी ही है ये लेकिन अगर मैटाकॉग्नेशन ऑप्शन में नहीं है तो आप सुपर कॉग्नेशन इसको लगा सकते हैं ठीक है कोई दिक्कत परेशानी ऑटोनॉमी होती है स्वायत्ता इंडिपेंडेंस आप अब इंडिपेंडेंट बींग है अब मैं बड़ा हो गया हूं मम्मी अब पापा ठीक स्वतंत्र स्वायत्त इंडिपेंडेंट सेल्फ डिपेंडेंट अब मैथ्स के लिए कुछ क्वेश्चन है ये आपको स्वयं ही देख लेने Uh, ये मैं पीडीएफ भी अभी रात में शेयर कर दूंगी रोमन नंबर पे क्वेश्चन है पैडोगॉजी में मैथ्स में पंद्रह से ज्यादा क्वेश्चन है तो मैथ्स को छोड़ मत आना क्योंकि पैडोगॉजी आप लोग कर दोगे नोट्स फ्री है डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो मैथ्स पेडोगॉजी इन वन शॉट भी कराया हुआ है आपको वो मैराथन वगैरह आप देखते रहिए जब वो लोग नए जुड़े हैं एलिफेंट पे क्वेश्चन है बर्ड्स पे क्वेश्चन है प्याजे वायगॉस पे क्वेश्चन है किसी ने तो बताया सात आठ क्वेश्चन है प्याजी वायगॉस की गोलबक को मिलाकर के समायोजन पे एक क्वेश्चन है Adaptation में आपकी और की प्रोसेस आती है हाथी और इन सब पे तो नॉर्मल रिपीटेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूं जो कॉमन रूल्स आ ही रहे हैं ठीक पक्षी के बाल झड़ने को तो इसको बर्ड्स मोल्ट कहते हैं बाकी एग्जैक्टली exactly उन्होंने ऑप्शन में क्या दिया है क्या टर्म यूज किया है उस पर डिपेंड करेगा जनरली बर्ड्स मोल्ट कह दिया जाता है क्योंकि ये तो उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स पूछने लग गए तोरांग हमें पता है कुड़ुक में जंगल को कहते हैं कुड़ुक लैंग्वेज में जंगल को तोरांग कहते हैं ये तो रिपेटेटिव क्वेश्चन है पहले भी प्रीवियस ईयर में खूब पूछा गया है आयरन डिजीज पर पहले भी क्वेश्चन आया है एनेमिया होता है आयरन की कमी से है ना खून की कमी से आपके एनेमिया होगा और इसमें क्या खाएंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे जैसे पालक और ये सारी चीजें बार बार फर्टिलाइजर से क्या होता है अगर आप ओवर फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं कहां पे जमीन में तो बैरन हो जाएगी आपकी लैंड तो आपका जो धरती है वो क्या हो जाएगी बंजर हो जाएगी जमीन ये आप उसमें भी देखते हैं आपकी झूम फार्मिंग में भी बात हुई है ठीक मलेरिया के सिम्टम ठंड लगती है बहुत ही तेजी से और बुखार आता है और चिल्स के साथ और इसके लिए सिंकोना बार्क सिंकोना पेड़ की जो अः उससे टैबलेट भी बनती है और उसको उबाल करके भी यूज किया जाता है इसके इलाज के लिए ठीक है ना और वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने मलेरिया के बारे में जाना कि मच्छर से होता है बताना जरा रोनाल्ड रॉस वट इज सिमेंटिक क्यू सिमेंटिक क्यूज होते हैं लैंग्वेज में ये पूछा गया होगा सिमेंटिक क्यूज होते हैं जो आपको मदद करते हैं चीजों को समझने में एक तरह की हिंट्स जो आपको टेक्स्ट को समझने में मदद करें क्या समझे क्वेश्चन ऑन आईक्यू देखिए आईक्यू

अचीव हो जाए बच्चे के 9 साल की उम्र तक या ग्रेड थ्री तक यानी क्लास थ्री तक ऐसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है जिसको आगे आने वाले एनसीएफ में भी शामिल किया जा रहा है वॉट इज ऑथेंटिक टेक्स्ट इस इसमें खूब क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं ये इंग्लिश या हिंदी पैडोगलॉजी में आया होगा जैसे न्यूज हो गया रिपोर्ट हो गई कोई उनको हम ऑथेंटिक टेक्स्ट में टेक्स्ट में काउंट करते हैं एम ऑफ लर्निंग पोएट्री इस पर बहुत क्वेश्चन आता है एम ऑफ लर्निंग पोइट्री इज सिंपली फॉर एंजॉयमेंट एंड एप्रीशिएशन भाई हम क्यों शायरियां सुनते हैं लोग एप्रिशिएट कर सके और इंजॉयमेंट के लिए एप्रिशिएशन के लिए एस्थेटिक सेंस के लिए मोटिवेशन जिसमें रीजन बाहर ना ढूंढना पड़े बच्चों को पढ़ना पसंद है इसलिए पढ़ रहा है प्रीति तो इंट्रेंसिक है अगर नंबर के लिए पढ़ रहा है तो यानी बाहरी अभिप्रेरणा है असेसमेंट फीडबैक के लिए इंप्रूवमेंट के लिए यूज होता है डेवलपमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस है प्रडिक्टेबल एंड ऑल क्वेश्चंस कंस्ट्रक्टिविज्म में बच्चे को एक्टिव रखिएगा कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब एनसीएफबीसी पे बेस्ड है कि बच्चा एक्टिव रहेगा रचना करेगा ज्ञान की और प्याजी वाइगोस की इसी से बिलोंग करते हैं ऑटिज्म का क्वेश्चन हम कर चुके हैं बच्चा रेपिटेटिव बिहेवियर करता है बार बार लगातार एडीएसडी में क्या है टिक के नहीं बैठ पाएगा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है एडीएसडी के नहीं बैठ पाएगा उचलता उतर रहेगा ध्यान ज्यादा देर लगा नहीं पाता तो उसको चंक्स में तोड़ करके हम एक्टिविटी कराएं जिससे बच्चे का ध्यान छोटी छोटी चीजों पे लगे और एक एक टास्क को वो कम समय में कंप्लीट कर पाए क्योंकि वो बहुत देर तक टिक के नहीं बैठ सकता तो हम तोड़ देते हैं टास्क को टुकड़ों में विजुअल इंपेयरमेंट पे क्वेश्चन हम कर चुके हैं ब्रेल लिपि का इस्तेमाल करना है या टेक्टाइल मटेरियल का इस्तेमाल करना है एलिफेंट पे क्वेश्चन है सोशलाइजेशन के एजेंट्स पे क्वेश्चन है तो हमें पता है मुख्य एजेंट क्या है भाई प्राइमरी एजेंट है परिवार और सेकेंडरी एजेंट है स्कूल ठीक अब कई बार नेबरहुड को फैमिली के साथ जोड़ देगा और नेबरहुड को स्कूल के साथ जोड़ देगा दोनों सही है बस आपको ये याद रखना है नेबरहुड जो स्कूल है वो हमेशा सेकेंडरी में आएगा और प्राइमरी में फैमिली आती है एक्टिव एजेंट्स वो होते हैं जहां बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व है खुद से बातें करे और इनडायरेक्ट कौन से हैं जैसे लाइब्रेरी अब वो खुद बोल नहीं रहा बट सोशलाइजेशन होगा ठीक है ना जीन प्याजी की है पर है स्टेजेस क्वेश्चन ये मैं बता चुकी हूँ कोलबक की छह स्टेजेस होती है हमें पता है लेवल पूछेगा तो तीन मोर क्वेश्चन तो लैंग्वेज में पूरी कहानी आपको मैराथन में कराई हुई है चार मैराथन सेशन लिए थे सीडीपी के इस बार साढ़े घंटे के और एक जो चार घंटे वाला सेशन है वो भी आप देख सकते हैं एडेप्टेशन पे क्वेश्चन है एप्टेशन में एसिमिलेशन और एकोडेशन दोनों आ जाते हैं आगे बढ़ते हैं इसी बात पे और किरण खड़े नंदुरबार अच्छा नंदुरबार महाराष्ट्र चलिए बहुत बढ़िया आप लोगों के नाम जानने को मिल जाते हैं इस बहाने कुछ लोगों के मेल देखने को मिल जाते हैं हाउ मेनी स्टेजेस आर देयर ये हम कर चुके हैं स्टेजेस हैं uh, अगर हम प्याजे की बात करें तो लर्निंग डिवेलमेंट मूव था डेवलपमेंट आपका कॉग्निशन से लैंग्वेज की तरफ जा रहा है है ना या कॉन्क्रीट से एबस्ट्रैक्ट की तरफ जाएगा ऑप्शन में क्या था उस पर डिपेंड करेगा क्लियर है बात प्याजे रिफ्लेक्स कम्स अंडर विच स्टेज तो रिफ्लेक्सेस आपके सेंसरी मोटर स्टेज में होते हैं और धीरे धीरे कम रह जाते हैं जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती है रिफ्लेक्सेस क्या है पलकों का झपकना आप पहले तो रूटिंग रिफ्लेक्स होता है ऐसे आप करेंगे बच्चा ऐसे करेगा उसके हाथ में पैन रखेंगे ग्रास्पिंग रिफ्लेक्स है एक ऐसे पकड़ लेगा ठीक तो इस सेंसरी मोटर जन्म से दो वर्ष में रिफ्लेक्सेस होते हैं और चेंजिंग एग्जिस्टिंग स्कीमा को हम किसमें डालते हैं एकोमोडेशन में बाकी पूरा लाइन पढ़ के समझ आएगा एग्जैक्टली क्या पूछा है जेडपीडी वो दायरा है जहां सीखा जा सकता है सीडीपी केरल युद्ध हमने कलरीबट की बात की है, है, है। क्वेश्चन आर्ट ऑफ केरल इस पे बात हो चुकी है चलिए पक्षी से प्रश्न है पक्षी के दोनों पंखों के बगल के मुलायम हिस्से को क्या कहते हैं इस पर हमने भी चर्चा की थी पैटर्न ये मैथ्स के क्वेश्चन है ये आपको मिल जाएगा इसको आप पढ़ लीजिएगा मैथ्स आप ये अटेम्प्ट करके देख सकते हैं खुद से ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है ये भी आप खुद से ही करेंगे पीडीएफ आपके साथ शेयर कर दूंगी कुल मिला के बाद ये है, पेपर से डरना नहीं है आपने घबराना नहीं है और पूरी मेहनत से हम पढ़ाई कर रहे हैं, हैं चलिएगा है और यूट्यूब पर भी मैं प्रैक्टिस सेशन आपका जल्दी ही स्टार्ट कर दूंगी टेंशन उस चीज के लिए नहीं लेनी है ठीक है जी चलिए खैर आते हैं तो आपको पेपर एकदम नॉर्मल जो भी आप जैसी तैयारी आपकी हुई है इसमें एक काम कर ले नॉर्मल रह के जाना है बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी सिलेबस से ही है पेपर सिर्फ ईवीएस सेक्शन में थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रही है चीजें उसमें भी जरूरी नहीं है कि आपके सेट में ही ऐसा हो जाए कि एक भी क्वेश्चन ना आए एनसीआर का वो एक आध दिन ही हुआ है उसमें भी इनडायरेक्टली चार पांच छह क्वेश्चन कम से कम टी की पंद्रह नंबर की पेडोगलॉजी तो वो पांच सात क्वेश्चन हैं जो डिफरेंट होंगे उनके चक्कर में ज्यादा परेशान नहीं होना पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है चाहे वो इंग्लिश हो हिंदी हो सी हो मैथ्स हो क्योंकि मैथ्स में पैडोगॉजी भी पूछी जा रही है छोड़ के कुछ नहीं आना ठीक है ना क्योंकि नेगेटिव मार्किंग आपकी है नहीं तो यही है आज की बात सेशन आपको पसंद आया हो आप लाइक शेयर कर दीजिएगा कमेंट में आपके विचार हो वो बता दीजिएगा इसके अलावा कल जिन लोगों का पेपर है वो आप शेयर कर दीजिएगा आपका व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता रही हूँ वहां आप जो भी क्वेश्चन आपके मेमोरी बेस्ड याद रह जाए आपको वो आप बता दीजिएगा मेल भी कर सकते हैं वैसे उसी पर शेयर कर दीजिएगा मेल अलग से देखना पड़ता है नंबर मैं शेयर कर रही हूँ फटाफट से और कल मिलेंगे ऑल द बेस्ट इनका भी एग्जाम है फिर उसके बाद मैं अजर्शन और रीजनिंग वाले क्वेश्चन करा दूंगी क्योंकि बहुत सारी शिफ्ट अभी भी रहती हैं और बीच में दो दिन की छुट्टी भी है तो अभी एनालिसिस और दोनों चीजें एक साथ करा पाना मुश्किल हो रहा था यह है नंबर नाइन थ्री इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं क्वेश्चन चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के बहुत महीनों से हम लोग बैक टू बैक काम कर रहे थे मैराथन सेशन लेट्स लर्न देख लेने हैं नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो किया टेलीग्राम पे मिल जाएंगे फ्री है नोट्स आप पढ़िए शांति से आप ही के लिए बनाए गए हैं ठीक है ना और मेहनत जो है सफल हो जाती है जब आप लोग पेपर से आकर के कह देते हैं कि हाँ चीजें एज इट इज मिल रही हैं ठीक अब ऑनलाइन हुआ है पेपर तो थोड़ा कॉन्सेप्शल हुआ है और ईवीएस में कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा देखने को मिल रहे हैं अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक चलिए ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय बाय गुड नाइट ये पेपर एन पेपर टू दोनों में काम आएगा ईवीएस को छोड़ दें अगर हम तो हिंदी इंग्लिश और सी आपके